हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एच के बर। आप देख रहे हैं हब से यूट्यूब चैनल। पहले उसको साइड करते हैं, ठीक है। आज संडे के बज के अभी कितना हुआ है, 5 बज के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब एक खुशी की बात है, आज मैं इंश्योरेंस क्लेम जो है आज मैं चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ रिकॉर्डिंग, और कल तक सारा इंश्योरेंस क्लियर इंश्योरेंस का वीडियो आ जाना है, ठीक है। सारा वीडियो मतलब एक चैप्टर का पूरा इलुस्ट्रेशन पूरा प्रैक्टिस आने वाला है, कोई भी कहाँ पे भी मिलने वाला नहीं है। इसी वजह से चलते हैं, आज खुशी का सीन है, करिए, ठीक है। चलिए, फायर अक्वायर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ मिस्टर फायर प्रूफ कंपनी, मतलब फायर का कहाँ लगा है, जो कि फायर प्रूफ कंपनी है उसी में लगा है। 31 अगस्त 2011 में लगा था। ओके, टू फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 टू 31 अगस्त, ठीक है। यू आर रिक्वेस्ट टू असर्टन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल्ड विथ द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। क्या है लिखा है, लॉस ऑफ स्टॉक का हम लिखा है। द कंसर्न आर टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी 60,000 सब्जेक्ट टू एन एवरेज क्लॉज, ठीक है। ये बाद में पता चलेगा एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा या नहीं, ये चलेगा, अभी उसमें कोई टेंशन बात नहीं। तो हाँ, पॉलिसी कितना लिया है, 60,000। पहले चलते हैं स्टॉक एज पर द बैलेंस शीट 31 मार्च 2011, 99,000, परचेज 1,70,000, ओजेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 3,000, ये ओजेस में माइनस होगा। सेल 2,42,000, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर 15,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइन 16 अगस्त 2011, लेइंग ऑन सेल विथ देम 16,500, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फ्री सैंपल, क्या हुआ, 1,500 फ्री सैंपल दिया है, ठीक है। चलिए, व्हाइल वैल्यूइंग द स्टॉक 31 मार्च 2011, 1,000 रिटर्न ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ स्लो मूविंग आइटम, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ व्हिच वाज 5,000, ए पोर्शन ऑफ दिज गुड्स वेयर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 500 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट 2,500, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ गुड्स सल्वेस्ट वाज एस्टिमेटेड 20,20,000, द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20%। अब हम क्या करेंगे, आंसर्स करेंगे। चलिए आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2011 टू 31 अगस्त 2011, मेमोरेंडम क्यों निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के लिए और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, ठीक है। चलिए ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक पहले देखो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में हमारा क्या था, ओपनिंग स्टॉक में आते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्या लिखा है, 99,000 लिखा है, बट ये नहीं लिखना है। चलो हम दिखाते हैं, यहाँ ओपनिंग स्टॉक से ये जो हमारा कितना है, 99 लाख, बट ये 1 लाख हुआ है, कैसे हुआ है ये क्वेश्चन में गिवेन है। ये देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉकिंग 31 मार्च 1,59,000, और उसका कॉस्ट था 5,000, यही में काम खत्म हो गया, यही में ही डाउट हो गया, पहले से बच्चा घटबड़ा जाता है, इसीलिए 1,90,99,+1,000 हो गया 1 लाख। आप नॉर्मल कितना है, 5,000 क्वेश्चन में, ये 5,000 भी गिवेन है, 1,000 भी गिवेन है, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल आइटम 95,000, ठीक है। अभी चलते हैं परचेज पर, परचेज में वर्किंग नंबर, सॉरी हम पहले सेल में जाते हैं, 2,40,000, 2,000, 2,42,000 वर्किंग नंबर सेल करते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अभी करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट निकालने के लिए, हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, अभी निकलेंगे 22 से 2,40,000, बट हमारा जो अबनॉर्मल आइटम 2,000 हुआ है, ये कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए, वर्किंग ऑफ सेल, सेल अबनॉर्मल लॉस 2,500 गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट में लॉस कितना हुआ 500, अभी क्या हुआ 2,000, यहाँ में परचेज में निकाल देते हैं, परचेज 1,70,000 लेस ड्रॉइंग कितना है 12,000, ड्रॉइंग कितना है
ड्राइंग कितना है? 20%। यह 20% कहाँ से आया? अभी थोड़ी देर धरो, हो जाएगा। 20% है 12,000, यह हो गया 1,58,000। फिर एग्जाम्पल 15,000 माइनस 1,500 माइनस करो, ये हो गया एडजस्टमेंट परचेज 1,56,500। ये 20% कहाँ से आया अब दिखाता हूँ तुमको। पहले ये हो गया सब कुछ, ठीक है, परचेज 1,56,000, 1,56,000, ठीक है। 20% वहाँ जो था, 20% यहाँ था। देखो तुमको सब जाके देखना पड़ेगा, यह जो 20% है कि भी नहीं, ठीक है, जीपी गैरेज की भी नहीं, ठीक है। चलो अभी ये हो गया, अभी जो मैं उज्जैस बोलता था 5,000, 3,000 माइनस होगा 47,000, ये भी हो गया। अभी क्या देखो, गुड्स सेंट कॉन्साइनी 16,500 गिवेन है, गिवेन है लॉस, गिवेन है 5,500 गिवेन, गुड्स कॉन्साइनी गिवेन है, देखना चाहते हो? चलो मैं तुमको दिखाऊंगा। चलो कहाँ है 16,500, देखो यार, गुड्स गुड्स कॉन्साइनी ऑफ, रुको थोड़ी, गुड्स ऑफ सेंड बाय द कॉन्साइनी 16,000 लेइंग विथ अनसोल्ड स्टॉक 16,500, ठीक है। चलो हो गया, अभी निकालेंगे परसों। ये 2,40,000 का 48,000 होगा 20%, ये सारे को मिलाओ, सारे को मिलाओ, उसके बाद ये सारा बैलेंस फिगर ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर भी मेरे को ये लगता है तुमको आगे कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही करता हूँ, ठीक है। चलो 90,95,000 प्लस 156,500 प्लस 47,000 प्लस 48,000 हो गया 3,46,500, क्लियर हुआ? अभी इस साइड में क्या है देखो, माइनस 240, माइनस 650, 16,500 और 90,000 आ गया, ठीक है। ये 5,000, ये 2,500 और 500, अरे 2,500 हट गया तो क्या हुआ, 2,500 रुपया, ये हुआ कितना? अभी चलते हैं, 1,00,000 प्लस 156,500 प्लस 47,000 प्लस 48,000 हो गया 3,51,500, 3,51,500 इसे माइनस करो, माइनस 242 माइनस 16,500 500, 92,500, 92,500, ठीक है बच्चों, हो गया। अभी चलते हैं नीचे, हम क्लेम करेंगे ना, क्लेम तो जरूर करेंगे ना, नहीं करेंगे, करेंगे अभी देखो, क्लेम करेंगे। बुक वैल्यू स्टॉक आज ऑन 31 अगस्त 2011 92,500 हमारा क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये जो मेन अमाउंट है, हमको स्टॉक सेल्वेज माइनस करना पड़ेगा 20,000, 92 माइनस 20,000, 20,000 की भेने 72,500 लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है। हमको पॉलिसी टेकन लिया है, कितना कितना पॉलिसी लिया है 60,000 का, कहाँ लिया है देखो, अभी तुमको दिखाता हूँ, पॉलिसी लिया हूँ कहाँ कहाँ कहाँ, देखो यार पॉलिसी लिया हूँ, ये किया 60,000 का पॉलिसी लिया है, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, 60,000 से ऊपर था जो होगा वो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, ये होगा एवरेज क्लॉज अप्लाई हो गया, ये पहले से ही दे दिया था, हम भी नहीं मानते थे, क्यों ना, तुम पहले जानो एवरेज क्लॉज क्यों अप्लाई होगा। देखो तुम्हारा क्लेम है क्या 70,500 बस, एवरेज क्लॉज तो लिया हो 60,000, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी वैल्यू, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ हायर, लॉस ऑफ स्टॉक 72,500, ये मैं गलत लिख दिया हूँ, ठीक है। ये लॉस ऑफ स्टॉक जो लिखा है 70,000, सॉरी 500 तुम लिख दो यहाँ पे, मैं ये जीरो लिख दिया, 70,000 ही लिख दिया, यहाँ पे 500 होगा, 70,500 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाई 92,500, ठीक है, ये हो जाएगा 47,027 रुपया। चलिए खुशी की खबर है, क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया है, अभी क्वेश्चन 4 हम स्टार्ट करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, जो मेरे चैनल के बारे में कुछ नहीं जानते उसके लिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से 1 मिनट, ठीक है। जो भी मेरे चैनल पर नया देख रहा है, भाई इतने काम इतने चैनल मतलब इतने समय तक देख चुका है, एक प्रॉब्लम भी कर सकता है, इसीलिए उसके लिए क्या काम था, जो भी
ये चैनल में सब कुछ फ्री में मिलता है, सब कुछ फ्री में, फिर रेगुलर क्लास, सारे क्वेश्चन, सारे सब कुछ, ठीक है। तुम्हारे से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियाँ है, सबको ये चैनल के बारे में बोलना है, शेयर करना है कि ना तुम जैसे फ्री में सब कुछ मिलते हो और कोई कोचिंग का पैसा नहीं देते हो। इसलिए बहुत सारे बच्चे पैसा नहीं है, इसी वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, एज निकलता जा रहा है, घर का प्रेशर, इसी वजह से वे भी सुइसाइड की भी हो ज़्यादा होती है। इसी वजह से तुम शेयर करके और उसके तो जान भी बचा सकते हो और उसका जो टेंशन भी रिलैक्स कर सकते हो। क्यों ना देख, दुनिया में पैसा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से एक यूट्यूब के माध्यम से मैं बहुत कुछ पैसा, अरे बहुत कुछ करना, जो किसी को मदद कर सकूं और उस पर फ्री में पढ़ा सकूं, यही मुझे चाहिए। इसलिए जब मैं क्या कर सकता हूं, जितना शेयर कर सकता हूं, जितने मैं अपलोड कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं, कहना और ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे जो हाथ का उंगली में शेयर का बटन है, तुम चाहो तो कर सकते हो, मैं तुमको कोई फोर्स नहीं कर सकता हूँ। क्यों ना, तुम सारे मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, इसीलिए तुमको जो भी पसंद है वही करना है। बट मैं टीचर के हिसाब से तुमको एक बोल रहा हूँ, तुम करने से एक लाइफ बदल सकती है किसी का। जो टेंशन में थे, कोचिंग कैसे लूँगा, पढ़ाई करूँ करूँगा, नहीं मैं पैसा नहीं है, पढ़ाई छोड़ दूँगा, वो तो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4। ए फायर अक्वायर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ मिस्टर कैलाश एंड कंपनी 30 सितंबर 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द पीरियड 1 अप्रैल 2011 टू 30 सितंबर 2011। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल्ड विथ द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ है। द कंपनी हैज टेकन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी 75,000 व्हिच सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। पहले से ही लिख दिया भाई, एवरेज क्लॉज। द वैल्यू ऑफ गुड्स वेयर सैलवेज वॉज एस्टिमेटेड 27,000। द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 20%। खूब कुछ दिया है, सिर्फ हमको भी एडिशनल पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, परचेज मेड 2,40,000, वोजेस पेड इंक्लूडिंग वोजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए 75,000। ये क्या लिखा है, वोजेस इंक्लूडिंग 75,000 से 5,000 माइनस होगा, पहले से मैं बोल रहा हूँ। सेल 3,10,000, गुड्स टेकन बाई प्रोपाइटर सेल वैल्यू 25,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी 20 नवंबर 2011, लेइंग अनसोल्ड विद देम 18,000, थ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड एट कॉस्ट 25,000, मतलब 2,500। अभी चलेंगे क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन पे। चलो क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन, उसको थोड़ी बड़ा कर लेते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2011 टू 30 सितंबर 2011। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, परचेज माइनस होगा 2,500, एडवर्टाइज जो है इसी वजह से यह होगा, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स टेकन प्रोपराइटर 20,000, ठीक है, ये हो गया 2,17,000। बाई सेल 3,10,000 गिवेन है, वो जेस में 5,000 पहले से बोल दिया था माइनस होगा, इसलिए 72,000। उसके बाद सेल में क्या लिखा है, 3,10,000, सेल में 3,10,000 दिया है ना, वो दिया है, देखते हैं तुम्हारे हिसाब से सारे देंगे। सेल गिवेन है 3,10,000, ठीक है। चलो उसके बाद हम जो क्या बोले, 20% गिवेन है, देखिए 3,10,000 इंटू 20% हो गया 62,000। ये सारा मिला के 1,20,000 प्लस 2,17,000 प्लस 70,000 प्लस 62,000 प्लस 4,69,500, क्या हुआ, 4,69,500, 4,69,500 एप्लाइज बाई सेल होगा माइनस 3,10,000, ओके। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 18,000 माइनस 14,18,000, यह हो गया कितना, 1,41,500, यह हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलिए हम निकालेंगे अभी स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस, स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, कितना इंश्योरेंस क्लेम करना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक रेस्टो बाई फायर हमारा कितना है, क्लोजिंग स्टॉक रेस्टो फायर जो कितना है, 1,41,500। सैलवेज स्टॉक कितना है, 27,000 की बहन है, हमारा इंश्योरेंस क्लेम हो गया कितना, 1,14,500। हमारा पॉलिसी क्या लिखा है, देखो पॉलिसी हमारा यहाँ में कितना लिया हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बातें, हमने पॉलिसी लिया है 75,000, ठीक है। आप क्या करेंगे,
75,000 यहाँ क्या है पॉलिसी 75,000, हमको इंश्योरेंस क्लेम करना है 1,14,500, तो आराम से होगा, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन क्लेम अमाउंट एवरेज कॉस्ट विल अप्लाई, क्या लिखा है ये, पॉलिसी अमाउंट लेस देन क्लेम अमाउंट एवरेज कॉस्ट विल बी अप्लाई। पॉलिसी अमाउंट लेस देन क्लेम अमाउंट एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, क्लेम होगा इंश्योर्ड वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट इनटू लॉस सफर, यह होगा 1,14,000, 1,14,000, 1,14,500 इंटू 75,000, 75,000, ये होने के बाद ये थोड़ी मैं गलत किया, यहाँ में और एक जीरो लिखना है, ठीक है, यहाँ में और एक जीरो लिखना है, उसके बाद ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है, हम क्वेश्चन 5 करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ फायर 15 जून 2011 द बिजनेस हाउस ऑफ द कंपनी दी वर्किंग रिमेन डिस्टर्ब अप टू 15 दिसंबर, फायर अकवायर कब हुआ, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का, मैं मुझे को लगता है ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का ही बीच में क्वेश्चन है। फायर कब लगा, 15 जून, बट डिस्टर्ब कब कब तक हुआ, डिस्टर्ब दिसंबर तक हुआ है। रिजल्ट ऑफ विच वॉज नॉट पॉसिबल टू अफेक्ट एनी सेल, मतलब सेल कुछ भी नहीं हुआ है, पॉसिबल ही नहीं हुआ है। द कंपनी हार टेकन आउट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी विथ एन एवरेज क्लॉज अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज फॉर 1,40,000, देख क्या लिखा है, मैंने पॉलिसी हम ली है 1,40,000 का, फिर पीरियड कितना जो इंडेमनिटी पीरियड होता है वो 7 मंथ लिया है। इंडेमनिटी जो होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज, मतलब ये इंडेमनिटी मतलब है प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज, मतलब जो भी हम प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट के लिए उसको डैमेज के लिए भरपाई करने के लिए, ठीक है। एंड इंक्रीज 25% वाज मार्केट मार्क्ड इन द करेंट ईयर सेल कंपेयर टू लास्ट ईयर, मतलब ये जो लिखा है ना ये 25% हमारा इस साल में सेल इंक्रीज होना था और अफेक्ट हुआ है, इसी वजह से लॉस ऑफ प्रॉफिट में ये सब चीज़ें आती है। दी कंपनी लॉस ऑफ प्रॉफिट में लॉस ऑफ प्रॉफिट दो है ना इंश्योरेंस क्लेम में, लॉस ऑफ स्टॉक लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब स्टॉक भी और प्रॉफिट भी इंश्योरेंस कंपनी देगा, ठीक है। दी कंपनी इनकर्ड एंड एडिशनल एक्सपेंडिचर 12,000 टू मेक सेल पॉसिबल एंड मेड ए सेविंग 2,000 इन द इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, अभी चलते हैं एडिशनल पढ़ने के लिए। एक्चुअल सेल्स 15 जून, एक्चुअल सेल 15 जून 2012 टू 15 दिसंबर कितना, 70,000। सेल 15 जून टू 15 दिसंबर 2011 2,40,000। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 80,000। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 70,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1,20,000। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 6,00,000। टर्नओवर फॉर द 1 ईयर, टर्नओवर ऑफ 1 ईयर 16 जून 2011 टू 15 जून 2012 ना हुआ 5,60,000, ठीक है। चलो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में, लॉस ऑफ प्रॉफिट ये क्वेश्चन है, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में लिख दिया हूँ इसी वजह से 10 मार्क और 16 मार्क का क्वेश्चन ये आने वाला है, अभी चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, सेल फॉर द पीरियड 15 जून 2011 टू 15 दिसंबर 2011 2,40,000। 25% हमारा इंक्रीज होने वाला था, ये 25% है 60,000, इवन है 25% जो। एस्टिमेटेड सेल इन करेंट ईयर 3,00,000, एक्चुअल सेल कितना है 70,000, माइनस करो ये हो गया 2,30,000, कितना शॉर्ट सेल। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड टर्न ओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना ए 100, उसके बाद 80,000 इंटू नेट प्रॉफिट है 80,000, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस है 70,000, टर्न ओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 6,00,000 इंटू 100, ये हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट 25%। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट 2,30,000 इंटू 25% 57,500, क्लियर। चलते हैं अभी अभी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर इंक्रीजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना 12,000 क्वेश्चन में गिवेन है, ये हमको यहाँ रूल पकाना है,
एक्सपेंडिचर इंटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर ग्रॉस प्रॉफिट एज अबव प्लस ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है 20% है 20% इंटू 70,000 7 लाख। ठीक है, टर्नओवर कितना है 7 लाख है। नहीं देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो हम देखेंगे क्या है। ठीक है, देखो 560 ये है। ठीक है 560 है ना, उसके बाद अभी तुमको यहाँ में ही दिखाते हैं 7 लाख कैसे हुआ। अभी पीछे जानते हैं एडजस्टेड टर्नओवर, तो टर्नओवर फ्रॉम 16 जून 2015 मतलब एक साल का 5,60,000 20% इंक्रीज होगा कितना 1,40,000 हो गया 7 लाख। ठीक है चलो 7 लाख हुआ, उसमें 20 by 100 इंटू 7 लाख इंटू ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना है 50,000 है। ये जो 50,000 हुआ है, मेरा क्वेश्चन वो मेरा पढ़ाने का तरीका है, ये हर अमाउंट का लॉजिक होता है, हम हर एक अमाउंट का लॉजिक निकालेंगे। ये जो 50,000 है और इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कैसे हुआ, अभी इसमें आते हैं। देखो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट फाइनेंशियल कितना है 1,20,000, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना है 70,000, 1,20,000 से 70,000 गया कितना होगा 50,000, 1,20,000 माइनस 70,000 हो गया 50,000। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? चलो ये हो गया 12,000, 1,70,000 डिवाइड बाई 2,25,000 इक्वल टू हो गया ये हमारा 9,333 हो गया। सबसे हमारा नीचे लेना है ए का 12,000, ये 2y का कितना हुआ 9,000, 9,333। अब क्वेश्चन 3 में हमारा आई आई और 2y का खत्म हुआ, ये जो है ना कैलकुलेशन क्लेम फॉर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अभी 3i करेंगे। ठीक है 7 लाख कैसे निकला है मैं पहले बता दिया हूँ, अभी 3i इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल जनरेटेड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर 28% 70,000। ठीक है ये है स्टैंडिंग चार्जेस, हम पहले की लास्ट फाइनेंशियल कहाँ लिखा है चलो तुमको दिखाने के लिए मैं पढ़ाता हूँ, ये लिखा है देखो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट फाइनेंशियल 70,000। ठीक है अभी ये हो गया 17,500, हमारे हुई चबर लोअर कौन सा है ये वाला है 9,333 इसको लिया जाएगा। ठीक है ओके 5 का अभी करेंगे कैलकुलेशन, टोटल कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट करने वाले हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट गिवेन कितना है नोट 3 में, गिवेन कितना है 57,500 देखेंगे। अभी चलते हैं 3 में, देखो यहाँ 57,500, चलो नीचे। उसके बाद इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ये लिखा है 9,333 ये हो गया 66,833, फिर माइनस करेंगे इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 2,64,833, ये करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी रेट ग्रॉस प्रॉफिट रेट 7,25%, ये हुआ 75,175,000 टोटल क्लेम फॉर कंसेशनल लॉस ऑफ प्रॉफिट, यह होगा इंश्योर्ड अमाउंट इंश्योरेंस इंश्योर्ड अमाउंट इंश्योरेबल अमाउंट इनटू टोटल प्रॉफिट। इंश्योर्ड इंश्योरेंसेबल अमाउंट अलग है, इंश्योर्ड अमाउंट मतलब ये जो हम पॉलिसी लिए हैं 1,50,000 का, और 1,50,000 यही हुआ 64,000 का हमारा क्या निकला है, हम निकाला है 64,000 का टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, और ये जो है इंश्योरेबल अमाउंट 1,75,000 ये निकला हुआ है, ये होगा 51,86,640। देखते हैं 1,4 × 64,833 डिवाइडेड बाय 175 लाख 175 लाख भरी 1,75,000 ये हो गया 51,866,040। खुशी से बता रहा हूँ अब हमारा क्वेश्चन 6 आने वाला है, मतलब आखिरी क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसीलिए 25 मिनट हो गया, अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 6 करूँगा और लास्ट में और एक अच्छा न्यूज भी दूंगा। ठीक है बहुत अच्छे वाला न्यूज, चलिए।
रखते हैं आज, बाय बाय, टेक केयर, आप हमेशा खुश रहे, पैसा और कोचिंग में कोई टेंशन नहीं है, मैं हम आपके साथ हमेशा से हूँ, ठीक, चलिए रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।